जिंदगी में आपको क्या क्या देखना पड़ेगा ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग तो दिन रात मेहनत करते हैं और कुछ लोग सोचने के साथ ही अपना वक्त जाया करते हैं। बिग फैन भाई, बिग फैन। थैंक यू, थैंक यू। मॉर्निंग इटसेल्फ आई सॉ योर वीडियो ऑन द बकरीद का दिन का जो आपका चैट शीट पे। हम भी आज अपना दिन अच्छी सोच के साथ शुरू करते हैं। अच्छा कवर कर सकते, सुबह आ जाना 9:30-9:10 के अंदर। कल 9:30-10। हाँ, शुरुआत में जाना, नहीं तो बाद में जाना। अच्छी सोच के साथ चलेंगे तो अच्छे लोग ही मिलेंगे सफर में। और एक समस्या, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम जब होती है ना तब इंसान को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन मुश्किलातों से लड़ना ही तो सब कुछ है भाई। कौन क्या सोचता है, सोचने दो, बाढ़ में जाए अपनी जिंदगी मजे से बसर कर ले, बाकी लोगों का काम ही है भाई टांग अड़ाना। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू इंडिया राइड। हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद। तीन बार मैंने हैदराबाद का नाम क्यों लिया, क्योंकि जो प्यार हैदराबाद से मिला है ना, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हैदराबाद से इतना सारा प्यार मिला है ना, एक एक करके कमेंट्स पढ़ रहा था, सभी वीडियोस देख रहा था, इतना सारा प्यार मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद। फिर से आ रहा हूँ मैं, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं बैंगलोर से। अभी निकलने की तैयारी, वैसे आज नहीं निकलेंगे, कल या परसों हम बैंगलोर बाहर निकलेंगे। इंडिया राइड के सभी वीडियोज जो मैंने अपलोड किए हैं, एक एक करके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा जरूर, इस वीडियो को देखने के बाद। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपकी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इन सब चीज़ों से चैनल ग्रो होती है। अगर आप चाहते हैं मेरी चैनल ग्रो करें, जरूर करिएगा। लेट्स गो। रिजॉर्ट देख रहे हो, यहाँ पे कितनी सारी स्कूटीज है भाई, पीछे भी लगा के। अभी बाइक हमने बाहर निकाल दी, बस निकलना है। चलो 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 भाई लोग, बिस्मिल्लाह करते हैं। बीच में लगा दिया स्कूटी, शाबाश। कुछ लोगों को ना किसी और की परवाह नहीं होती है, कोई चलेगा मत सड़क से, खाली अपना सोचते हैं। बिस्मिल्लाह। ये गलियों में से निकलना बहुत मुश्किल होता है, भी शुक्र है टैंक बैग पैनियर्स नहीं है। यहाँ पे हमें कहाँ से निकलना है, लेफ्ट दिखा रहा है भाई। अभी बैंगलोर की सड़कों पे कश्मीर का घोड़ा AK-13, बहुत अच्छा फील हो रहा है भाई। पहले यहाँ पे घोड़ा को खाना खिलाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, राइट लेते हैं यहाँ से भाई, मैसूर एक्सप्रेस वे वो लेफ्ट है यहाँ से। मैसूर तो हमें परसों निकलना है, बनारगटा सीधे। भाई साहब बनारगटा, बनारगटा किधर से? ये इधर से दिखा रहा है। कलेश्वरी, कलेश्वरी लेफ्ट। अरे यार मैप कितना घटिया है यार, इधर से कहाँ दिखा रहा है, देखो इनको भी यही दिखाया है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई लोग, मैप पे कभी भरोसा नहीं करना है। मेन रोड पे वापस हमें जाना है 3-4 किलोमीटर। ओके ऑनलाइन स्कैनर, कैश तो मैंने रखा है, लेकिन जहाँ पे हमें ऑनलाइन ठीक लगे ना वहाँ पे हम ऑनलाइन ही देंगे, क्योंकि कैश फिर ज़रूरत पड़ता है। एंट्री चार्जेस, पार्किंग चार्जेस, ओके 30। ओए होए 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 होए, बहुत रश है भाई, देख लो भाई, पार्किंग के लिए जगह भी नहीं है। समस्या की बात यह है कि मुझे लग रहा है आगे की लाइट हमारी नहीं चल रही है, ये वाली रास्ते में लगा था मुझे। यस, मसला हो गया भाई, ये तो चल रही थी। हाँ वाय, इसका प्लग लूज है क्या है ये मुझे नहीं पता, ये तो बड़ा टेंशन हो गया फिर से। परसों ही लगा दी थी लाइट्स 2-3। आई वाज लाइक मैं सुबह के 9-10 बजे आऊँगा इधर, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जैम। बैंगलोर के लोगों को तो अच्छे से पता होगा कि ट्रैफिक जैम वगैरह कितना रहता है। इधर देखो मेरा ऑनलाइन ऑप्शन इज देयर, ओनली सफारी नहीं मिल रहा है। व्हाट डिड यू सेलेक्ट?
ओके नॉन एसी बस नो नो ओह दैट एंड ऑल इज लिमिटेड सीट दैट मींस अभी सफारी इधर भी मिलेगा वो कंफर्म मिल रहा है थैंक यू ठीक है आप आपको देखा दो दिन मैं वीडियो देख रहा हूँ दो दिन से देख रहा हूँ आप थैंक यू कहाँ से आप मैं त्रिपुरा से चलो भाई लोग दिन कितना भीड़ रहता है मंडे कल नॉर्मल नॉर्मल कल आ जाओ अच्छा कवर कर सकते सुबह आ जाना नौ साढ़े नौ दस के अंदर कल साढ़े नौ दस हाँ शुरुआत में जाना नहीं तो बाद में जाना बनी साहब अड़क पर बैठो जैसे सर कह रहे हैं कि कल अगर आप आएंगे तो अच्छे से कवर करेंगे साढ़े नौ दस बजे है ना अच्छे से कवर भी होना चाहिए दिखाना तो पड़ेगा आप सबको मुझे लग रहा है कल आएंगे हम है ना ऊपर बंदे साथ को एलआर पर बैठे नूर उमर गाड़ी एलआर नाट पड़ ऑनलाइन किससे होता है 900 रुपया तो कार्ड एलआर सर जी ऑनलाइन किससे होता है ऑनलाइन उधर क्यूआर कोड है ओके स्कैन करो बुक कर बहुत रश है अभी सब लोग मुझे देख रहे हैं हाथ में क्या पकड़ा है ऐसे यही तो है भाई सब कुछ लेकिन कल हम आएंगे 9-10 बजे आज भी हम जा सकते हैं लेकिन अच्छे से हम कवर नहीं कर पाएंगे तो आपको दिखाना तो पड़ेगा अच्छे से क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है तो अभी एक डेढ़ साल पहले मैं आ गया था इधर बट उस वक्त मेरा ऐसे कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल होता था लोगों की तरफ उस वक्त मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होता था जितना मैं आज हूँ भाई आज कैमरा से बातें कर लो और आगे बढ़ो उस वक्त मुझे नज़रें होती थी आगे पीछे कौन मेरी तरफ देख रहा है आज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले हम कुछ खाएंगे इधर कितने का एक गिलास 30 एक गिलास दे दो फिफ्टी क्या बनाते हैं भैया ओए होए 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 पूरा बटर डाल के है ना वाओ फॉलो बैक चाहिए करूंगा अभी रुको अभी करना है आप क्यों चल रहे हो मुझे डिस्काउंट मिलेगा अगर अभी किया क्या डिस्काउंट है मैं तो ओनर में हूं वो लगा दो भाई पहले बता रहे हैं मेरा आईडी कर दिया बड़ा बड़ा खतरनाक है भाई यहीं से टैक्स भी कर दिया चलो आगे हाँ बिग फैन लिख दूंगा मैं हाँ बिग फैन डन हाँ अपने दोस्त लोग को बता देना ये मेरा फैन है कश्मीर से ये प्लास्टिक का है ये भी प्लास्टिक का है कितना है ये 550 प्लास्टिक का है ना ये है ना प्लास्टिक प्लास्टिक हैंडमेड है हैंडमेड हैंडमेड सर कितना होता है इसका 550 लेकिन ये प्लास्टिक है ना प्लास्टिक तो हमारे विंटर में फट जाएगा माइनस होता है नहीं तो मुझे अच्छा लगा था हाँ लकड़ी का भी है और
चने का जूस देखा भाई लोग कैसे निकालते हैं। पानी पानी कितना भैया? कितना? एक 50 का है भाई। 50 का इधर तो सस्ता होता है, 30-35। नहीं भैया ज़्यादा है। हाँ 50 अभी तो 1 month होना चाहिए। हाँ, अभी बारिश आ रहा है ना उसलिए तो। नहीं तो इधर 30-35 में मिलता है ना सभी। 30-35 में मिलता है, अभी तो डिमांड ज़्यादा है, आउट ऑफ स्टेट ज़्यादा जाता है ना इधर से, लोकल से। हाँ, उसलिए तो मेरा आइटम कम मिलता है, उसलिए तो ज़्यादा है। दे दो एक, लेकिन पानी मलाई नहीं। ए पतला मलाई मार रहा भैया को। पानी पानी बस स्वीट पानी। कौन सा यूट्यूब है भाई? हाँ मेरा अपना नाम का भैया। बढ़िया चलो भाई लोग आगे की ओर। 1 corn कितना? 50 है। 1 corn 1 1 एक corn दे दो मेरे को। मसाला कम कम कम। अभी कॉर्न खाने का वक्त। वाओ बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा है इसमें। अभी इसमें जो आंटी ने मसाला डाला ना ऊपर से, उससे और भी मज़ा है। लेकिन मसाला हमेशा कम खाया करें। स्पेशल मेमोरी। अरे मैं तभी आपको देखा, बट टिकट कौन रुपए इतना रश था ना तो मिल नहीं पाया। मिला टिकट मिला, मैं तो आज कैंसिल कर दिया। बहुत कैंसिल कर दिया। बिग फैन भाई, बिग फैन। थैंक यू थैंक यू। मॉर्निंग इटसेल्फ आई सॉ योर वीडियो ऑन द बकरीद का दिन का जो आपका चैट शीट पे मिल सकता। थैंक यू। बट मिस हो गया यार, क्योंकि हम लोग अब मिले ना, किस्मत में होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। चलो बाय बोलो। बाय। एक है सांप। हां बता लो सांप, बता लो स्नेक। थैंक यू। प्यार है भाई लोगों का, है ना। अल्लाह आप सबको सलामत रखें, ऐसे ही प्यार बरसाते रहें और हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते रहेंगे। कहाँ से जो है ये गाड़ियाँ आपको पूरे जू में घुमाती है, सफारी। और यस आज तो हमारे नसीब में नहीं था, कल तो होगा इंशाल्लाह। दिस इज़ द बस स्टैंड हेयर और गवर्नमेंट बसेस है। और अगर ऐसा सिस्टम हमारे कश्मीर में होगा ना तो कितना अच्छा होगा। गरीब से लेकर अमीर तक अच्छी अच्छी जगहों पे जाएगा और एक नॉर्मल इंसान भी पहलगाम जाएगा, नॉर्मल इंसान भी उससे गुलमर्ग घूमेगा, सोनमर्ग घूमेगा। कैसे हैं भाई साहब, कैसे हैं आप? आराम आराम। बढ़िया। कितना कितना चार्ज लेते हैं आप सिटी से लेकर यहाँ तक? यहाँ से 25 रुपये लेते हैं बस। 25? अरे वाह, बस सर्विस कंटिन्यू चलता है ना? लेडीज़ के लिए पूरा फ्री है। लेडीज़ के लिए फ्री, फुल फ्री। ओके बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? इधर ही बैंगलोर। बैंगलोर मजा आ रहा है, एंजॉय। आओ एकदम। आप किधर गए? मैं कश्मीर का। कश्मीर? हाँ। कैसा लगा इधर? बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। इधर पूरा लेडीज़ के लिए अभी नया गवर्नमेंट आया ना। हाँ पूरा फ्री बना दिया, किधर भी जाओ कर्नाटका के अंदर लेडीज़ का फ्री, फुल फ्री एकदम बढ़िया। ऐसे अच्छी बात है ना, ये बस हर जगह तक जाती है ना। हाँ कर्नाटका में किधर भी घूमो लेडीज़ के लिए फ्री है। बढ़िया बढ़िया। चलो थैंक यू। ठीक है थैंक यू। तो यस ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत अच्छा लगा देख के। होप ऐसा कुछ हमारे कश्मीर में भी होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस तक खासकर बसेस जाएँ, गवर्नमेंट बसेस जाएँ। तो यस अभी हमारा दिख रहा उधर है, हल्की सी बारिश होगी स्टार्ट। और यही तो है खासियत बेंगलोर की, पता नहीं लगता कब बारिश होती है। चलो भाई आगे की ओर। अभी ना मैं यहाँ पे रुका था, मैंने सोचा था मैं पहले लाइट्स को नज़र दूँ। ये खोला भी मैंने, इसका कनेक्शन मैंने उसके साथ भी दिया, लेकिन नहीं शायद ये वाला बैठ गया है। अभी ये नया डालना है भाई।
और एक समस्या, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम जब होती है ना तब इंसान को बहुत बुरा फील होता है, लेकिन मुश्किलातों से लड़ना ही तो सब कुछ है भाई। अगर ये आजमाइश मुझ पे नहीं होगी तो फिर सफ़र किसको कहेंगे हम। उसकी मर्ज़ी से सब कुछ होता है तो आगे वही संभालेगा। ये देख लो कैसा माहौल है इधर। ये ऐसा लग रहा है ना जोर से बारिश होगी, काले बादल। वैसे जब ऐसे बादल होते हैं ना कहते हैं दुआ करनी चाहिए। एक मिनट पूरा भीग गया मैं। ओह माय गॉडनेस, इधर हम रुकेंगे। ओह हो हो, देखो सभी बाइकर्स यहाँ पे रुके हैं, जिसके पास भी बाइक स्कूटी है ना सब रुक लो इधर ही है ना, देख लो सबके सब इधर ही रुके हैं। तो हम भी साइड में लगा देंगे अपने दिक्रों को। ओ देखो भाई साहब, बारिश से धुआं जैसा होता है, इतने जोर से बारिश हो रही है भाई साहब। यहाँ से तो बहुत पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ से भी पानी मेरे पैर के ऊपर से, और यहाँ से भी भागना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम जो बैंगलोर में है ना वो फेल है भाई। ये देख लो, ये देख रहे हो बारिश। कहते हैं ये बारिश तो कुछ भी नहीं, मेरे आंसुओं से कह दो बहना किसको कहते हैं। अभी 5 किलोमीटर हमें चलना है। मैंने सोचा था कि मैं आपको और एक जगह पे लेके जाऊंगा, लेकिन शायद बारिश आज कुछ करने नहीं देगी। जल शानो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए होए, दिल की धड़कने तेज हो गई अजान सुन के। पैर तो नीचे रखना पड़ेगा, ऊपर से पानी ही पानी है। अरे यार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए होए शाबाश। वैसे ये सब तो नसीब में लिखे होता है, बारिश देखनी है, जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे नहीं जा पाएंगे आज। हम तक क्या है, हम तक है सिर्फ निकलना घर से, बाकी ज़िंदगी में आगे क्या होगा वो सिर्फ अल्लाह के हाथ में। यहाँ से लेफ्ट लेने का, और मैं बारिश से बहुत बुरी तरीके से भीग गया, तो पहले मुझे फटाफट से रूम पे पहुँचना है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए भाई साहब, कभी कभी भी नहीं। चाहे आप लाइफ में कितनी बार गिर जाएंगे, उठना सीख लो भाई, और उठने में मज़ा है। ओए होए 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 होए, फिर से बारिश, सैलाब है सैलाब। ओए, और वाइजर पे पूरा पानी है, अच्छे से दिख भी नहीं रहा है कुछ। कौन क्या सोचता है, सोचने दो, बाढ़ में जाए अपनी ज़िंदगी मज़े से बसर कर लें, बाकी लोगों का काम ही है भाई टांग अड़ाना। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को एक्सप्लेनेशन दे कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ कैसे करता हूँ, तो अपना काम करें। फाइनली वी आर हियर, बाइक को अंदर रखने का। तो भाई साहब जहाँ भी व्लॉग स्टार्ट किया था वहीं पे एंड भी कर रहा हूँ। आज दिन में क्या कुछ रहा वो आपने देखा होगा, और हमारी कोशिश है इसके बाद बैंगलोर में हम 2-3 दिन और स्टे कर रहे हैं, 2-3 जगहों पे जाना है फिर से। आज जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, एंड इसके बाद हमारा मैसूर रहेगा, उसके बाद मैंगलोर रहेगा, उसके बाद मैंगलोर से कुनार रहेगा, कुनार से कोइम्बटोर रहेगा, उससे आगे आगे बताऊँगा क्या कुछ रहेगा। और अभी तक अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हैं, आई रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है एक एक करके, एपिसोड 1 एपिसोड 2 एपिसोड 3 देखेगा ज़रूर, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ब्लॉग को शेयर करें क्योंकि बहुत लंबी राइड है अभी, और यस बहुत कुछ सहना पड़ता है, एक्सपीरियंस हो जाती है लाइफ की। बाकी अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ियामन अल्लाह, लव यू ऑल।